रहने वाले कमलेश इलानी ने साल 2012 में मुंबई से सटे विरार में एकता डेवलपर्स के यहाँ फ्लैट बुक कराया। साल 2016 में फ्लैट का पजेशन मिलना था, लेकिन डेडलाइन गुजर जाने के बाद भी पजेशन नहीं मिल पाया। यही वजह थी कि कमलेश ने रेरा का दरवाज़ा खटखटाया, जहाँ एक महीने के भीतर ही तीसरी सुनवाई में कमलेश के हक में रेरा ने फैसला सुनाया। रेरा अथॉरिटी जो है एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, एक कोर्ट के जैसे ही है। रेरा अथॉरिटी भी यही चाहती है कि 60 दिन के अंदर उनको निर्णय देना है। जो भी कंज्यूमर को कंप्लेन करना है, पहला उनको ये देखना है कि उनका क्या प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है कि नहीं है, वो हमें उनका वेबसाइट में जाने से पता चलता है। हमारा ऑनलाइन कंप्लेंट ही होता है, कभी भी ऑफलाइन कंप्लेंट नहीं होती है। कोई भी वेबसाइट में एक लॉगिन और पासवर्ड क्रिएट करते हैं, उसी तरह से इस वेबसाइट में भी आपको लॉगिन और पासवर्ड क्रिएट करना है कि क्या आप प्रमोटर है, क्या आप एजेंट है या आप कंप्लेनेंट है। तो फिर कंप्लेनेंट के हिसाब से फिर आपको बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट के खिलाफ आपको कंप्लेंट करना है। इधर आपको 5000 रुपये ऑनलाइन में कंप्लेंट फीस भरना है, उसके बाद आपको कंप्लेंट का नंबर मिलता है। एक बार आपने कंप्लेंट लॉन्च किया, कंप्लेंट का नंबर मिला, फिर आपको क्या करना है, जो भी पार्टी के खिलाफ आपने कंप्लेंट किया है उनको आपको पूरी डॉक्यूमेंट के साथ, कंप्लेंट के एप्लीकेशन के साथ आपको उनको सर्व करना है। 3 कॉपी आपको रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास भी देना है।